सहाबा का झगड़ है,
ताली कटवाना हक्का भी आता है। ये कानून जब आता है कि बंदा बदला उस वक्त लेता है जब पाप। अब जिनके पास जा रही है सत्ता उनमें भी वो है जो रास्तों में कांटे बिछाने वाले, जिनके पास सरकार जा रही है उनमें तो वो है जो सरकार द्वारा पर इस्लाम मुस्लिम को तरह तरह की अजियतें देते रहे हैं, और उनमें वो है जिनसे सरकार ने काबा की चाबी मांगी थी और वो इनकार कर देते हैं। पर मदीने वाला जब वहां पहुंचता है मक्का में तो ऐलान करता है आज वो पावर में है लाहरी तौर पर जा, वहां पहुंच के ऐलान करता है इस्लाम का बड़ा दुश्मन अबू सुफयान है जो उसके घर में पड़ा है उसके लिए भी आसानी है। सुभान अल्लाह। कदर एक बादशाह को दस दे दिया तू पावर में हो पर मेरी इताअत करनी है तो बदला ना ले माफ कर दे मुस्तफा पाक ने एक बादशाह को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सरकार उसको बुलाते हैं। जब सरकार काबा में इबादत करने की नियत से गए थे और वो चाबी नहीं दे रहा था कि मैंने दरवाजा नहीं खोला, तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया था इतनी चाबी मेरे हाथ में होगी मैं किसी चाहूंगा अता कर दूंगा। सरकार उसे बुलाते हैं, फतह मक्का का दिन आता है और वही बंदा अपने हाथों में चाबी रखकर आता है सरकार की बारगाह में और आके सरकार के सामने पेश करता है, तो सरकार फरमाते हैं याद कर मैंने तुझसे चाबी मांगी थी इबादत के लिए पर तूने इनकार कर दिया था, मैंने तुझे कहा था चाबी इतने मेरे हाथ में होगी मैं जिसे चाहूंगा दे दूंगा, आज चाबी मैं ले रहा हूं अब मेरी मर्जी है मैं जिसको दूं। सरकार चाबी उठाते हैं और किसी और हथेली पर नहीं रखते उसी हथेली पे रखते हैं और ऐलान करते हैं ये तो आज का दिन है क्यामत तक चाबी के दस दिन चलती आएगी। बादशाह को सिखा दिया, एक जो पावर में है उसको सिखा दिया कि बादशाही कैसे करनी है। तू पावर में है तेरे पास होता है तेरे पास मकान है पर मुस्तफा की अता ये है तू पावर में हो के माफ कर दे ये मुस्तफा पाक की इत्तला इसलिए है। सुभान अल्लाह। हजरत करामी आज हमारे इर्द गिर्द अदब के लोग बैठे हुए असाटा है लेक्चरर है प्रोफेसर मौजूद है पढ़ाने वाले हैं एक पढ़ाने वाले हैं बनाई जाती है और कहा असाब इस वक्त के चबूतरे पर 70 असाब को बैठा के पढ़ाया जाता है। पढ़ाने वाला मोहम्मद मुस्तफा है पढ़ने वाले सहाबी है। और यार किसी कॉलेज का जो जब सबसे बड़ा बड़ा कॉलेज हो बड़े नाम वाले कॉलेज हो इदारे हो यूनिवर्सिटी हो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे तालिबे मुकाबिल हो, ये नहीं हो सकता कि सारों का इतना से तेरे डाल। और सरकार द्वारा इस्लाम इस्लाम ने जिन सहाबों को पढ़ाया था उनके लिए सरकार ने फरमाया था पढ़ाने वाला एक था और फरमाता है असहाबी कंदजो सहाबी सितारा है एक तदाई तो एक तदाई तो तू इब्तदा करता जा हिदायत। पढ़ाने वाला एक है कितने सहाबा पढ़ने वाले हैं पर जिसकी भी इब्तदा का तू मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। इधर मुस्तफा पाक के बात फरमाते हैं और उधर राष्ट्र है वो सरत जारी करता है और कहता है हटी अल्लाह हो अनहु बारतुआ मैं उनसे राजी हो गया तो तुझसे राजी। हजराते ग्राम हजरत अब किसी उस्ताद ने पढ़ाना है तो वो तरीका मुस्तफा का अंदाज मदीने वाले का अपना कि उसका अंदाज क्या था। अब एक फौज का जनरल है सिपा सालार है वो क्या करता है वो कैसे इत्तला करता है बड़े जंग बदर के हाथ 313 दिन है हजार कलश का सामने है चंद तलवारें हैं चंद रेजे हैं पर फतह उसे हासिल हो रही है उस जो 313 के दिन का बता दिया कि हालात जैसे भी हैं जो मेरी इत्तला करेगा ना उसे अफराद की जरूरत नहीं होगी वो ऐसा जज्बा पैदा करेगा कि हजारों कलश के सामने होगा पर फतह उसे। हजरत ग्रामी कदर आए आप रिश्ते हमारे भी रिश्ते आपके भी रिश्ते
भाई की सूरत में रिश्ता, बहन की सूरत में रिश्ता, हजरत ग्रामीण कदर बुजुर्गों की सूरत में रिश्ता। देखिए मुस्तफा पाक ने रिश्तों को कैसे निभाया और हमने कैसे निभाया है, कैसे आज हमारी बहन है और मुस्तफा की भी बहन है हजरत, और सगी बहन नहीं है, रिदाई बहन है, उसके खानदान की हो, उसकी कबीले के 6,000 जवान कैद होते हजूर के पास आते हैं, और हजरत शीमा कहती है किसके पास है, कहा मोहम्मद मुस्तफा के पास है, हजरत शीमा कहती है मुझे ले जाओ मैं आजाद करा देती हूँ। हजरत करम कदर हजरत शीमा जाती है, सरकार अपनी बहन को आता देती है तो सरकार उखड़े होते हैं, बहन के लिए चादर बिछाती है और कहते हैं बहन कैसे आई, कहा 6,000 मेरे कबीले के नौजवान कैद हो चुके हैं, आजाद कराने आई हूँ। मुस्तफा पाक और बात नहीं फरमाते, कहते हैं बहन तू आ गई, मैंने 6,000 को आजाद किया है हजरत करम कदर, और साथ इनाम और इकराम भी देते हैं। बता दिया अगर एक बहन आ जाए तो तुम्हारा अंदाज कैसे होना चाहिए, कैसे भाई की सूरत में बता हजरत करम कदर, यारियां हम भी लगाते हैं, दोस्तियां हम भी लगाते हैं, पूर्ण शब्द बकर से मुस्तफा की जात हजरत करम कदर, क्या दोस्ती थी क्या यारी थी, सरकार मक्का में है तो अबू बकर मक्का से है, मुस्तफा मदीना में है तो अबू बकर मदीना में है, सरकार बाहर में है तो अबू बकर बाहर में है, और सरकार बाजार में है तो अबू बकर बाजार में है। हजरत करम कदर बता दिया इब्तिदा कैसे करनी है, जारिया हमारी भी है, रिश्तेदारियां हमारी भी है, ताल्लुकात हमारे भी है। देखो यार मुस्तफा पाक ने किस तरह अपनी जारियां निभाई, कैसे दोस्तियां निभाई, कैसे रिश्ते निभाए, कैसा ताल्लुक जोड़े रखा है। और हजरत करम कदर देखिए बुजुर्ग हमने भी बोला है और हमारे बुजुर्ग सब देख हुसैन से पूछ मुस्तफा बतौर इरादा कैसा बोल है, जब हुसैन बोलता है तो सरकार द्वारा में ऐसा तो इस्लाम ये नहीं कहते फिदा हुसैन को पानी पिला, ये नहीं कहते फातिमा हुसैन को पानी पिला, बल्कि कहते हैं ऐ हुसैन मेरे करीब आमीन जबान को चूमते इसी से सहरा, नमाज पढ़ते हैं सजदे की हालत में है, हुसैन आता है सरकार के कंधों में सवार हो जाता है, उस वक्त तक मुस्तफा सर नहीं उठाता जब तक हुसैन कंधे पे होता है। बता दिया एक बुजुर्ग होने की सूरत में इत्तेहाद कैसे करते हैं। हुक्म हुआ नतर कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुमने इत्तेहाद करनी है किसकी, क्यामत तक मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा की, जिस शोबे में भी हो जाए जिस मामले में भी हो सरकार की सीरत के सामने रखो, अगर रखोगे तवज्जो करोगे हजरत इकरम की तरफ तो मैं ये कहता हूँ आपको जिंदगी गुजारने में आसानी होगी। दुआ है अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए मेरे भाई हजरत साहब को।